अहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। एक साथी ने सवाल पूछा कि हमारी बहन हो अगर घर में एतिकाफ़ बैठे तो क्या वो खाना भी बना सकती है एतिकाफ़ में, किचन वगैरह के काम कर सकती है, सहरी और इफ्तारी की तैयार कर सकती है? जी हाँ, हमारी बहनें उनके लिए घर के काम करना जिहाद के बराबर है। साहबियात हाजिर हुई, या रसूलल्लाह मर्द तो सबकत ले गए, ये तो जिहाद पे जाते हैं, ये फलाने क्या फलाने क्या फलाने क्या, हम तो औरतें पीछे रह गई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम्हारा घर के काम करना ये जिहाद के बराबर है। हम में कौन है हम में से मर्दों में से जो अपने बच्चे का पेशाब साफ करवाए, अपने बच्चे को एक दिन भी उठा कर दिखाए? हमारी बहनें ये जिहाद के बराबर है। इसमें अगर एतकाफ़ बैठती हैं और ये काम भी घर के करती हैं तो उनको इजाज़त है, कर सकती हैं। इसी तरह एक साथी ने सवाल पूछा वो एतकाफ़ सिर्फ रात का करे, दिन को दफ्तर से जो छुट्टी नहीं मिल रही तो क्या रात का एतकाफ़ हो सकता है? जी हाँ, दिन की छुट्टी है, मजबूरी है, कोई हर्ज नहीं। जैसे मजबूरी ख़त्म हो दफ्तर से सीधा मस्जिद आ जाए, एतकाफ़ है उसका, रात का एतकाफ़ करता रहे, दिन को ड्यूटी करता रहे, मजबूरी है। अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हर अच्छाई को हर भलाई को लेने की और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। मुझे उम्मीद है मेरे भाई मेरे बहनें हमारे हर पैगाम को खुद भी सुनेंगे, दूसरों को भी सुनाएंगे, खुद भी अमल करेंगे, दूसरों को भी कराएंगे।